बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है काशी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी वो इस तरह की थी, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसके अंदर 3d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी d के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होते थे। अब जो काशी डिफरेंशियल इक्वेशंस मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, इसके अंदर ये जो d है, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ साथ वेरिएबल्स भी होंगे। मसलन अगर आपकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो साथ एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ऑर्डर वन है तो एक्स की डिग्री वन होगी प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं 1, 2, 3। अगर ऑर्डर तीन है तो फिर एक्स क्यूब होना चाहिए, ऑर्डर तीन वाली के साथ एक्स क्यूब आएगा। ऑर्डर दो अगर होगी डिफ्रेंसिएशन तो स्क्वायर वाली रकम आएगी, और अगर ऑर्डर वन होगा तो एक्स की पावर वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, साथ कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। उन डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम है काशी आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर क्या लिखेंगे हम, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म यहां पे मैंने कॉन्स्टेंट लिख दिया an और साथ x की पावर n है, x की पावर n के साथ n ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होना चाहिए, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जितना ऑर्डर होगा डेरिवेटिव का उतनी ही x की पावर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये an माइनस वन एक्स एन माइनस वन, अब इसका ऑर्डर कितना होगा, डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डी एन माइनस टू वाई ओवर डी एक्स एन माइनस टू। चलते जाएं आखिर में जाके फिर आएगा ए टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए नॉट वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड काशी। बाज़ बच्चे इसको चाची भी पढ़ते हैं, ये चाची लफज नहीं है, काशी है, एक मैथमेटिशियन था उसका नाम है, आर कॉल्ड काशी आयलर, उसी के नाम पे फिर इसका नाम रखा गया है काशी आयलर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसके कोएफिशिएंट्स किसी तरीके से खत्म हो जाएं, यानी अगर हम एक्स की पावर एन माइनस वन इनको ख़त्म कर दें तो फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स और कांस्टेंट आ जाएंगे। जब सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स और कांस्टेंट आ जाएंगे तो उसको हमने हल करने का तरीका हमारे पास मौजूद है, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन करके तो इनके फार्मूले जो हैं वो ड्राइव करने लगा हूँ। वो फार्मूले जो हैं वो जब आप काशी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे
तो काशी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कॉफिशेंट एक्स वगैरह नज़र आएंगे आपको वेरिएबल की फॉर्म में, वो ख़त्म हो जाएंगे और आपके साथ डेरिवेटिव्स के साथ साथ जो कॉफिशेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके रह जाएंगे, कॉन्स्टेंट रह जाएंगे, बस वेरिएबल्स ख़त्म हो जाएंगे उसमें। इसके लिए मैं पुट करता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी। तो अगर मैं इसका लॉग ले लूं, लॉग ऑफ एक्स, तो वो किसके बराबर आएगा, लॉग ऑफ ई की पावर टी। तो टी जब साइड पे आएगी तो ये बनेगा लॉग ऑफ ई, लेकिन लॉग ऑफ ई किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ई की वैल्यू वन के बराबर होती है। तो log x किसके बराबर आ गया, log x इज इक्वल टू t के बराबर आ गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी फिलहाल, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब आप x इज इक्वल टू e की पावर t को पकड़ें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा dx एक्स ओवर dy। e की पावर t को डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर t, t को दोबारा करेंगे dt ओवर dy आ जाएगा। लेकिन हमें तो dy बाय डी एक्स की जरूरत होती है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर e की पावर t इन टू dy बाय dt आ जाएगा। हमने d ओवर डी एक्स का नाम d ओवर डी एक्स को d के साथ डिनोट करते हैं, तो फिर अगर d ओवर dt आ जाएगा तो उसको फिर नई नोटेशन रख लेते हैं, डेल्टा के साथ डिनोट करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा dy इज इक्वल टू e की पावर t को भी उठाकर इधर इधर ही ले आए, चलें अगले स्टेप पर ले आते हैं, वन ओवर ई की पावर y डेल्टा y आ जाएगा ये। अब डेल्टा y आ गया तो ये वाला y के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास d इज इक्वल टू वन ओवर ई की पावर टी का नाम क्या रखा था आपने, एक्स, बट ई की पावर टी तो एक्स के बराबर है, तो ये फिर आ जाएगा वन ओवर एक्स इंटू डेल्टा, तो एक्स को उठाकर इधर ले आए, एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा। अब डी वाली रकम के साथ ये डी की पावर वन है तो एक्स की पावर वन, हम क्या किया करेंगे क्वेश्चन में, जहां पे एक्स डी हुआ करेगा वहां पे हम डेल्टा पुट कर दिया करेंगे, ठीक है जी, ये एक्स डी की वैल्यू आ गई। अब हम एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की कीमत जो है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं, ये देखें डी एक्स ओवर डी वाई किसके बराबर है, डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ टेक, नाउ टेक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई की पावर टी इंटू डी वाई बाई डी टी। लेकिन e की पावर t किसके बराबर है, e की पावर t इज इक्वल टू x के बराबर है, ये देखें x, तो इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर x dy बाय डी टी।
अब डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो सिंपल डी टू वाई बाई डी एक्स के आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, सो सिंपल सो इजी। इस पर लगेगी प्रोडक्ट रूल, पहले जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी एज इट इज आ गया, उसके बाद वन ओवर x एज इट इज, डी वाई बाई डी टी टू को करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, उसके बाद क्योंकि x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t फिर x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, डी टी ओवर डी एक्स की कीमत हमने निकालनी है डी टी ओवर डी एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास t किसके बराबर है, फ्रॉम इसका नाम रख दीजिए इस a, फ्रॉम a log ऑफ x इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी टी ओवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। अब इसको उठाकर नंबर टू में पुट कर दें, देयर फोर टू बिकम्स, टू क्या बनेगी, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी टी, फिर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर और फिर डी टी ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी, यहां पे आएगा प्लस वन ओवर एक्स डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स जगह पे आ जाएगा वन ओवर एक्स, ये वन ओवर एक्स और ये वन ओवर एक्स मिलके क्या बनेंगे, वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी टी प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर के साथ दोनों तरफ जरब दे दें, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिया उस तरफ चला गया तो एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एक साइड पे आ गया, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर को मैंने पहले लिख दिया फिर मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी टी। अब देखें एक्स डी वाई बाई डी एक्स की कीमत आप पहले निकाल चुके हैं, इसका मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की कीमत आप निकाल चुके, अब हम एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की कीमत निकालने के करीब करीब पहुंच चुके हैं। अब डेल्टा आपने रखा डी ओवर डी टी का नाम, तो डेल्टा स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, डी टू ओवर डी टी स्क्वेयर का नाम आ जाएगा, ओके, और डी टू ओवर डी एक्स स्क्वेयर को तो आप जानते हैं
जब लास्ट टाइम ये आर्टिकल किया था इसका नाम डी स्क्वेयर रखा था, तो ये फिर बन गया एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर और साथ क्या आ गया वाई प्लस, ये किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर वाई, ये किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा वाई। तो वाई यहां से कॉमन लें, इस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू किसके बराबर आ गई डेल्टा स्क्वेयर माइनस डेल्टा के बराबर आ गई। इसको ऐसे ही याद रखें, या डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन, ये एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऑन दिस वे, सिमिलरली एक्स क्यूब डी क्यूब, ये किसके बराबर आ जाएगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन इंटू डेल्टा माइनस टू। तो ये है आपका एक्स क्यूब डी क्यूब का फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपने एक्स फोर डी फोर का फार्मूला निकालना है, वैल्यू निकालनी है, तो वो फिर बराबर हुआ करेगा डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू डेल्टा माइनस थ्री एंड सो ऑन। यहीं से फिर आप एक्स एन डेल्टा एन की कीमत भी निकाल लेंगे, वो डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन डेल्टा माइनस टू सो ऑन, चलते जाएं चलते जाएं। अगर यहां पे फोर है तो थ्री पर बात खत्म हुई, तो अगर एन है तो एन माइनस वन पे बात खत्म हो जाएगी। तो ये है फार्मूले, एक तो आपने याद रखना है ये नंबर वन एक्स डी इज इक्वल टू डेल्टा, दूसरा आपने याद रखना है कि एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन, और फिर एक्स क्यूब, क्योंकि ऑर्डर तीन तक ही हैं आपकी बुक के अंदर, तो ये तीन फार्मूले तो आपने जरूर याद रखने हैं। नंबर जो है आप इसका रख लें थ्री और इसका फोर, तो फार्मूला नंबर वन थ्री और फोर को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब इनको यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 9.3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज जो मैथमेटिकल मेथड की बुक एस एम यूसुफ की आप फॉलो करेंगे उसके अंदर ये 10.4 एक्सरसाइज है। अब आप कहेंगे कि सर आपने 10.3 पहले क्यों नहीं करवाई। 10.3 का जो मेथड है वो यूसी मेथड है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीकाकार है डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और 9.2 के सारे क्वेश्चन उस तरीके से भी हल किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो काशी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब मैं वो सब्स्टिट्यूशन करूंगा जो फार्मूला मैंने अभी आपको ड्राइव करवाए हैं, उसके बाद ये 9.2 यानी पिछली एक्सरसाइज के सवालों की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो ये उसका तसलसल कायम करने के लिए, क्योंकि वो अभी आपके जहन में फ्रेश चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि इस एक्सरसाइज को पहले ही करवा दिया जाए। अब ये देखें, सॉल्व द फॉलोइंग काशी डिफरेंशियल इक्वेशन। पहचान क्या है, डबल डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर टू, सिंगल डेरिवेटिव है तो एक्स की पावर वन, ये कांस्टेंट एक्स की पावर फाइव। अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक्स की पावर फोर आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स की पावर वन ही रहती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, फिर उसको हल करने का कोई और तरीका होगा। लेकिन काशी डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अगर ऑर्डर टू है तो एक्स की पावर टू, अगर ऑर्डर वन है डेरिवेटिव का तो पावर वन होनी चाहिए, अगर ऑर्डर थ्री है तो एक्स की पावर थ्री होनी चाहिए। अभी देखें, ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो थोड़ी देर के बाद ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा जो अभी एक्सरसाइज हम पीछे करके आए हैं उस जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी जब हमने आर्टिकल किया उसमें क्या किया, पुट किया हमने एक्स इज इक्वल टू ए की पावर टी, और टी किसके बराबर आ गया था फिर लॉग ऑफ एक्स के बराबर। अब एक्स की पावर फाइव, अगर एक्स ई की पावर टी के बराबर है तो एक्स की पावर फाइव फिर किसके बराबर आ जाएगी, ई की पावर फाइव टी। तो जब हमने ये सब्स्टिट्यूशन की
तो हमने ड्राइव किया कि एक्स डी किसके बराबर होता है, डेल्टा के बराबर, और एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर ये किसके बराबर होता है, डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन। अब पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको वन कैन बी रिटन एज, वन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स डी प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव। अब इसका नाम क्या रखा है आपने, नंबर दो और ये नंबर थ्री। ये जो वैल्यूज निकाली हैं आपने, इनको उठाकर यहां पे पुट कर दें, पुट टू थ्री इन वन। आप ऐसा करें कि ये वाला स्टेप जो है इसके बाद फौरन ये वाला स्टेप कर लें, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन किया करें। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन प्लस सेवन एक्स डी की जगह पे क्या आएगा, डेल्टा आएगा, डेल्टा लगा दिया, प्लस फाइव इंटू वाई, बड़ी ब्रैकेट यूज करें क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट यूज हो चुकी है, एक्स की पावर फाइव की जगह पे क्या आएगा, ई की पावर फाइव टी। फर्क क्या पड़ा है, पहले हमारे पास डी स्क्वायर की फॉर्म में थे, अब ये डेल्टा की फॉर्म में आ गए हैं, माइनस डेल्टा प्लस सेवन डेल्टा प्लस फाइव, साथ यहां पे वाई मिस, वाई इज इक्वल टू ई की पावर फाइव टी, वाई इज इक्वल टू ई की पावर फाइव टी। दिस इज फर्दर इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर प्लस सेवन डेल्टा, सेवन में से एक निकाल दिया बाकी रह गए सिक्स डेल्टा, सिक्स डेल्टा प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर फाइव टी। अब देखें ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया है, डी की जगह पे डेल्टा इस्तेमाल हो रहा है, तो इट इज ऑफ द फॉर्म, अब इसको हम बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू, वहां पे एक्स का फंक्शन होता था, अब ये टी के फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक 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 फॉर वाई सी, वाई सी के लिए क्या करेंगे, पुट एफ इंटू डेल्टा वाई को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर आ जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब जहां जहां पे डेल्टा है वहां वहां पे एम पुट कर दो, एम स्क्वेयर प्लस सिक्स एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, फैक्टर बनाएं एम स्क्वेयर प्लस फाइव एम प्लस एम प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एम कॉमन एम प्लस फाइव, वन कॉमन एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, राइट राइट, एम प्लस फाइव यहां से कॉमन निकाला, एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दो केसेस यहां से क्रिएट हुए, पहले में एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दूसरे में एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एम की वैल्यू माइनस फाइव, इधर एम की वैल्यू माइनस वन, तो वाई सी किसके बराबर आ गया, स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, ए इंटू ई की पावर माइनस पांच टी प्लस पी इंटू ई की पावर माइनस टी। बाद में जब वाई सी लिखेंगे ना, फिर चूंकि हमारी जो टर्म है वो एक्स की फॉर्म में है, तो जब हम वाई लिखेंगे तो फिर इकट्ठा ही वाई सी और वाई पी को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ वी फाइंड वाई पी, नाउ वी फाइंड वाई पी, वाई पी किसके बराबर आएगा, वन ओवर एफ ऑफ डेल्टा, इसको डिनोमिनेटर में ले गए
और साथ आ गया एफ ऑफ टी। वाई पी इज इक्वल टू डेल्टा वाली रकमों को नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर प्लस सिक्स डेल्टा प्लस फाइव इंटू ई की पावर फाइव टी। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा की जगह पे फाइव पुट करेंगे, डेल्टा की जगह पे फाइव पुट किया तो वाई पी निकल आया हमारे पास वन ओवर फाइव का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू ई की पावर फाइव टी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 25 प्लस 30 प्लस 5 ई की पावर 5t, तो ये आ गया 30 और 30 60 1 ओवर 60 ई की पावर 5t। सो आपने देखा कि कितना सिंपल हो गया है ये क्वेश्चन, ऐसा ही लगा जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो y हमारे पास किसके बराबर आएगा, yc प्लस yp। वाई सी हमने कैलकुलेट किया ए ई की पावर माइनस फाइव टी प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस टी प्लस वन ओवर सिक्स टी ई की पावर फाइव टी। अब ई की पावर टी हमें मालूम है कि वो किसके बराबर है, ई की पावर टी एक्स के बराबर है। तो ये देखें, इसको अगर मैं लिख दूं a इंटू ई की पावर t की पावर माइनस फाइव, तो हैव यू एनी इतराज, b इंटू ई की पावर t की पावर कितनी आ गई माइनस वन प्लस वन ओवर सिक्स टी ई की पावर t की पावर कितनी आ गई फाइव। बट e की पावर t किसके बराबर है, वो तो x के बराबर है, तो फिर सोल्यूशन किसके बराबर निकलाया, a इंटू एक्स की पावर माइनस फाइव प्लस बी इंटू एक्स की पावर माइनस वन प्लस वन ओवर सिक्सटी एक्स की पावर फाइव। इसको चूक कर बटे में ले जाएं तो बटे में जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, a ओवर एक्स फाइव प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन ओवर सिक्सटी एक्स की पावर फाइव। तो ये था सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का। इसके साथ ही हम जो है ये आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखें, कल इससे रिलेटेड और क्वेश्चन किए जाएंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।